गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू तेजस एंड स्टफ। आई नो इट्स बीन अ वाइल जब हमने वीडियो कोई बनाया है, तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना एक व्लॉग किया जाए। तो अभी पार्थ आया नीचे, तो मैं जा रहा हूँ नीचे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने, बिकॉज आज थ्री एड्स एंड टेल्स को एक साल कम्प्लीट हो गया उनकी। ये साल उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो अभी वो नीचे खड़ा है और लेट मी शो यू, देयर ही इज, ही हैज स्पॉटेड मी। अब हम जाएंगे उसको नीचे कॉन्ग्रेचुलेट करने, लेट्स गो और व्लॉग करते हैं शुरू, क्योंकि आज होने वाला है सेलिब्रेशन और देखते हैं, करता हूँ आपको अपडेट। वैसे सोच रहा हूँ अभी वॉक के लिए भी चला जाओ, क्योंकि शाम को तो जा नहीं पाऊंगा, शाम को सेलिब्रेशन है, तो लेट्स सी। मी व्लॉग करतो है स्वतःला, दोन महिन्याने व्हिडिओ टाकणार आहे, मला ऑल द बेस्ट बुक। हाय तेजस, कुठे राहिलायस तू? किती दिवस आम्ही तुझ्या व्हिडिओची वाट बघतो, माझे फ्रेंड्स वाट बघतायत, कधी करणार आहेस? जो विचारतोय कधी तेजस तू व्हिडिओ काढणार आहे, कधी तुझ्या मुलाचा नवीन व्हिडिओ बघायला मिळणार। ओके बाय। There he is, proprietor of Three Heads and Tails. What the fuck? ये कुछ गलत हो रहा है। कोलकाता, आम ही कोलकाता। Bye. We rule. Bye. Congratulations, 1 year. एक मिनिट रुक जा, मी जीप दाखवली पण कळलं ना ते मास्क मध्ये। सर आले, कसं वाटतंय? अरे काय सांगू सर, एक वेगळीच नशा, एक वेगळीच ट्रिप, एक वेगळीच नशा। हो म्हणजे एक वर्ष झाल्यानंतर सब एनजी आहे, सब एनजी आहे सर। काय सांगू सर, एक वर्ष झाल्यानंतर असं सुख मिळते की असं वाटलं की मी टॉयलेट बंद गेलो, ती आली होती मला दुराजोरात आणि पदा पदा हसलो हगलो आणि ते बरं वाटत ना, ते खाली पण आणि पोटात पण तसंच वाटतंय मला आज सर, तसंच वाटतंय। पण मग त्याचा अर्थ असा थोडी की आज तू केकेआर चे कपडे घालून फिरतो, केकेआर के कपडे पहन के क्यों घूम रहा है? किधर से आता है इतना ओवर कॉन्फिडेंस? मुंबई इंडियंस जीत चुका है, जीत चुका है। तेरे को पता है रास्ते में तेरे को लोग ये पहन के देखेंगे ना, तेरे को मारेंगे। आज कोई आया मारने? इतने देर से घूम रहे हैं। सुंदर कहाँ से आया पार्थ? हाँ, आज एक और साल कंप्लीट हो गया ब्रो। एक और साल किसका? हैप्पी झारखंड फाउंडेशन डे ब्रो। इधर देखना चाहिए झारखंड क्या क्या करते हैं? कौन है? आज कैसा लग रहा है के साथ? तो भी है। वो उसको जाके विश भी तो करना है। तू गिफ्ट लिया गया उसके? अरे मित्र नसता, मित्र मध्ये फक्त पार्टी घ्यायची असते। अरे इकडन माझं जीपीएस कसं ट्रॅक होईल बाहेर? इधर इधर से जाने बोल रहा है, इथून मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं ये रस्ते की है चौराहे पे खड़े रहके से एक बार गोल घूमूंगा। हां ना, तुझा मध्ये ते चक्कर आपण फिरली अशी पूर्ण गोल अक्षरा। तू फ्रेम मध्ये का नाही? आपण आदमी असतो तर तिथे एक फेरी संपली असती। स्लो क्लॅप्स और स्लो साउंड में स्लो चाहिए सर की स्पीड में? जा तू जा, हट हट ते पाणी आणतीस आणि तिथे पोचते पोचते अजून एकदा खोकलीस, आठवते? आठवते खोकलीस आणि नंतर तू पाणी पिताना तुला चिंका आली, तुझं पाणी नाकातून बाहेर पडलं। मी बघितलं सर, इतना ही एक्टिंग आता है? अच्छे अच्छे, थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा सर। ये इम्प्रोवाइज नहीं था, इम्प्रोवाइज फिर भी इम्प्रोवाइजेशन का भी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। करेंगे सर, करेंगे।
अपना मेहनत अपना स्ट्रगल अपने पास है, एक साल हो गया है बस अपन को, अपन को और स्ट्रगल करना है। उसमें क्या है, एक साल हो गया तो हो गया ना, अभी करने का और मेहनत करेंगे ना सर, कैसे नहीं करेंगे, करने का तो मजा आता सर, करेंगे सर, मेहनत 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 की बात कर रहा है मैं सर। पार्थ को लाइफ भी पक्ष नहीं देता है, पार्थ को छोटे बच्चे भी पक्ष नहीं देते। वो मम्मी भी नहीं चाहती बच्चे को छोड़ना इधर। देख 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 देख। अरे मोदी जी, इज दैट यू मोदी जी? वाओ। सो आई जस्ट गॉट डन विथ माई वॉक, अभी घर पे आया, फ्रेशन अप हुआ है, आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है, 12 बज गए एक वर्कआउट करते करते। तो या अभी सीन ये है कि हमें मिलना तो है 5 बजे, और 5 बजे के बाद एक्चुअल ब्लॉग चालू होगा। तो तब तक एक काम करता हूँ, ये सारे फाइल्स जो अभी शूट किया वो ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, और थोड़ा घर का सामान वामान लाना है। आज है वेनसडे, आज कौन सा डे है वैसे? ओह यस, आज संडे, तो आज है संडे, और संडे के दिन हमारे घर पे बनता है नॉन वेज, द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ द वीक। तो फिर अभी जाऊंगा मैं, चिकन विकन लेके आऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा कम खाऊंगा यार, रात को पार्टी भी करनी है, और पार्टी में ज़्यादा खाना है, ऋत्विक का बिल भी बढ़ाना है यार, बहुत काम है। तो फिर यार अभी जाऊंगा थोड़ी देर में मैं सामान लाने, फिर तब तक ये फाइल्स ट्रांसफ़र करने रख देता हूँ, और खाना वाना खा के मिलता हूँ यार आपसे, मिलते रहेंगे, अभी तो पूरा दिन बाकी है। जस्ट वोकअप एज इन, खाना खाया पेट भर के, मस्त लेटी दिया, बट सीन ऐसा है कि 5 बजे हमें निकलना था। अभी राइट नाउ इट्स 6:00, 5 बजे निकलना था, पार्थ के घर पे कोई गेस्ट आए हुए, और इसलिए वो जब तक नहीं निकलते पार्थ नहीं निकल सकता, तो मैं सो गया। मैंने आई डिडंट इवन बॉदर टू इवन कॉल हिम एंड आस्क कि भाई क्या हो गया। मैंने उठने के बाद उसको मैसेज किया कि ब्रो जाना है कि नहीं जाना है, तो एक लाइक गेस्ट आए हैं तो फिर बाद में निकलने वाले, ठीक है चल। तो अभी सीन ये है कि मुझे 2-3 जार केक्स के ऑर्डर पहुंचाने जाने हैं, और क्रॉस प्रमोशन कर रहा हूँ, है नीचे लिंक कर दिया हूँ इंस्टाग्राम हमारे, ये एक्चुअली मम्मी केक्स वेक्स बनाती है, तो उसका इंस्टाग्राम नीचे लिंक कर रहा हूँ, तो जाके देख लो, जार केक्स वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स ऑर्डर देने तो दे दो। तो यार उनका बेसिकली डिलीवरी बॉय मैं हूँ, तो अभी मुझे वो डिलीवर करने भी जाना है, तो नाउ आई विल गेट रेडी, फिर इसके बाद ऑर्डर्स देखने जाऊँगा, और अपेरेंटली तब तक पार्थ विल बी फ्री, और वो भी रेडी होके आ जाएगा। उसने बोला तो है 6:30, देखते 6:30 तक आता है तो ठीक, फिर निकलेंगे। क्यों हंस रहा हूँ? क्या मस्त लेट ही दिया मैं। तो फाइनली 1 घंटे बाद यानी कि 6:45 को हम निकल रहे हैं। प्लान में एक और थोड़ा सा चेंज ये है कि ऑर्डर देने आप गुड्डू पार्थ हमें साथ में जा रहे हैं, और ये बाय द वे बैच दिखाना था आपको, ये बैच मुझे गिफ्ट करा है, दोनों बैचेस कीनल ने, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कीनल। और अभी बड़ा सा छोला, ये बड़ा सा छोला, और ये बैग लेके निकल चुके हैं हम। सो द थिंग इज अभी हम जा रहे हैं मानपाड़ा पे, हमें ये ऑर्डर ड्रॉप करना है, और उसके बाद हम जाएंगे कल्याण, तो विच इज़ गोइंग टू बी अ टास्क। और गुड्डू को अब तक ये पता नहीं है कि पार्थ को अब तक ये पता नहीं है कि वहाँ जाना है, मैंने उसको बोला है मंजूनाथ स्कूल जाना है, एक्चुअली वो भी एक ऑर्डर था लेकिन वो दीदी पहुँचाने जा रही है, तो ये बॉम्ब अभी गुड्डू के सामने हमें फोड़ना है।
पार्क के सामने में बोलना है। तो निकल रहे हैं फाइनली, चलो निकल दे। पार्टी शुरू हो चुकी है हमारे बिना। पेट्रोल है, से हाय टू द व्लॉग। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई दारू। कंटेंट दे, चल कंटेंट दे फटफट, बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। कंटेंट दे। वो कौन है इधर स्कूटी पे? ये 38 सैंडल से क्या? अरे ले 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 ले। सर सर सर, ऋत्विक सर, अंकित सर, सर सर, 38 सैंडल। यस यस, 38 सैंडल। अरे बिग फैन सर, बिग फैन, बिग फैन, बिग फैन सर। मैं भी मेंबर है पर मैं भी बिग फैन सर। बिग फैन सर, बहुत अच्छे वीडियो। अरे इतने फेमस हो सर। सर सर, मेरा भी चैनल है सर, एक बार प्रमोशन कर दो ना। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर सेलिब्रेशन बता दूं, ये जबरदस्ती करा रहे हमसे। सेलिब्रेशन तो हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस गाइस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, बहुत मजा आया। फर्स्टली बिफोर एनीथिंग आई वांट टू से कि यार ये तीनों जन है ना 38 सेंटेल, मेरे हिसाब से बहुत मेहनत कर रहे यार, बहुत जितना हो सके उतना मेहनत कर रहे हैं। उनको ना एक दिखता है उनके अंदर की बकरे को हलाल करने से पहले नहीं यार, ऑनेस्टली टू बी फ्रैंक कि कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, फिर कुछ बनाने का इच्छा दिखता है इनमें। और ये जितना मेहनत ले रहे ना, ऑफ कैमरा नहीं दिखता है लेकिन सच में बहुत मेहनत ले रहे हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल दीज गाइस, ऑल थ्री ऑफ देम, कि लोग इतना मेहनत ले रहे हैं। मेरे को पता है एज जितना भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। जितना भी नंबर्स मैटर नहीं करता, तो जितना कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और वो बनाना ये तीनों कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज इनको एक साल कंप्लीट हो गया है और इन नो टाइम हमको ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि आज एक चैनल को एक साल कंप्लीट हो रहा है। मेरा फ्रेंडशिप इनसे एक साल का ही है। मैं पार्थ को पहले से जानता था, ऋत्विक अंकित को मेरा वीडियो शूट करते टाइम में मिला, मैं शूट कर रहा था, इन लोग बीच में आ गए थे। वो क्लिप भी देख रहे तो बेसिकली यार ये तीनों अमेजिंग है यार। सबसे पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि और बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। और कांग्रेचुलेशन टू ऑल थ्री ऑफ यू टू कंप्लीटिंग वन ईयर ऑफ थ्री एड्स एंड टेल्स। चीयर्स टू थ्री एड्स एंड टेल्स। ऑल्सो नाउ मुद्दे पे आ रहा हूँ, कमिंग टू द पॉइंट, ऋत्विक का आज बर्थडे भी है तो हैप्पी बर्थडे ऋत्विक। और बर्थडे स्पेशल कुछ बनता है, अपना चैनल का एक उसूल है कि चैलेंज के बिना कंप्लीट नहीं होता कोई भी वीडियो। तो आज का चैलेंज ये है, ऋत्विक रास्ते के बीच में जाओगे, चौक में लाइट के नीचे और जाके बेटा तुम ट्वर्क करोगे। चलो थ्री, एक मिनट जाओगे, जाना तो पड़ेगा, नहीं करना। चलो थ्री टू वन सेंटर ना। क्या बात है, बढ़िया स्पोर्टिंग स्पिरिट। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स बड़ी। तो फिर गाइज ऑन दैट नोट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट करो नीचे, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, इनके चैनल पे जाओ, इनको सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू देयर एंड स्टफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बाय।